इबादत करने के सबके अपने अपने तरीके होते हैं, इसमें अजान का महत्व क्या है, अजान क्यों दिया जाता है, कब से इसकी अहमियत रही है, और अगर हम इस्लाम मजहब के तौर पर भी हम देखें तो इसकी महत्ता एक लाउडस्पीकर से भी क्या जुड़ती है, क्या ये आज की जरूरत बन गई है? इस्लाम धर्म में दिन में 5 बार अलग अलग वक्त पर नमाज पढ़ी जाती है। सुबह सूरज निकलने से पहले यानी फज्र की नमाज, दोपहर को जोहर, शाम को असर, सूर्यास्त पर मगरिब और रात को ईशा की नमाज पढ़ी जाती है। सूरज के उगने और डूबने के वक्त के हिसाब से इन 5 नमाजों का वक्त थोड़ा थोड़ा आगे पीछे होता है। हर नमाज से पहले अजान होती है। नमाज पढ़ने के लिए लगाई गई पुकार को अजान कहते हैं। निकल लेगा टाइम आज का 5:56 आज का था। ये सूरज डूब लेगा टाइम शाम का जी, तो ये रोज लिखा जाता है। ये सहरी खत्म, खाना आज इस वक्त खत्म हो गया। सुबह 4:32 पे खाना खत्म हुआ रोज, ठीक है। ये शाम का इफ्तार का टाइम आज का 4:49, ठीक है। और ये सब नमाज जुमे का टाइम, जुमे का टाइम। अब ये मतलब ये जुमे का टाइम तो शुक्रवार ही है, ये फिक्स है। ये फिक्स है जी। अब ये आ गया हमारा मगरिब, फजर, जोहर, असर, मगरिब, 4 नमाजें, ये इनके टाइम फिक्स है। इनके टाइम ये सूरज जब डूबता है तो हम इसको घटा बढ़ा देते हैं। एक अजान 3 से 4 मिनट चलती है। अजान इसलिए दी जाती है ताकि मस्जिदों से बाहर, घरों में या सड़कों पर या दफ्तरों में मौजूद लोगों को ये पता चल जाए कि अगले 10 या 15 मिनट में सामूहिक नमाज पढ़ी जाएगी, और जो लोग मस्जिद जाकर नमाज पढ़ सकते हैं वो उस मस्जिद में जाएं जहां से अजान दी जा रही है। आमतौर पर मस्जिदों की मीनारों पर लाउड स्पीकर लगे होते हैं जिनसे अजान की आवाज आसपास के इलाकों में पहुंचती है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या लाउड स्पीकर्स के बगैर अजान नहीं हो सकती? लाउड स्पीकर धर्म के मामलात और कांग्रीगेशन में ना हो तो बहुत बेहतर है, या सिर्फ उतना हो कि अगर कोई कांग्रीगेशन 500 लोगों का है तो लाउड स्पीकर की जो पिच हो वॉइस की वो 500 ही लोग सुने। रात में अजान हो, लोग सोते से उठ जाएं, बीमार हो, उनको तकलीफ हो, बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनको तकलीफ हो, ये अच्छी चीज नहीं है, चाहे वो मुसलमान करें या वो हिंदू करें या किसी और धर्म के मानने वाले करें। मस्जिदों और लाउड स्पीकरों का कनेक्शन जानने के लिए पहले लाउड स्पीकर का इतिहास भी खंगालते हैं। 1861 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने अपने टेलीफोन में पहला लाउड स्पीकर लगाकर उसका पेटेंट कराया था, लेकिन आम इस्तेमाल में लाउड स्पीकर 1925 में आया, जिसका आविष्कार एडवर्ड डब्ल्यू केलोंग और चेस्टर डब्ल्यू राइस ने किया था, और उसके कुछ ही साल बाद लाउड स्पीकर की अहमियत का अंदाजा लोगों को हो गया।